जंग के बीच यूक्रेन पहुंचे हुए हैं यूएन के चीफ। जिस कीव शहर में वो हैं, उसी कीव शहर में रूस ने मिसाइलें दागकर दहशत फैला दी है। जिस यूक्रेनी शहर में मौजूद है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, उसी शहर में रूस ने गिरा दिए हैं बम। बीते दिनों मॉस्को में पुतिन से शांति की बात करने पहुंचे थे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, और जब रूस के बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, तो रूस ने कीव में मिसाइलें दागकर दहशत फैला दी है। यूएन के चीफ और यूएन की टीम इस हमले से हैरान है, क्योंकि हमला उस जगह के बेहद करीब हुआ है जहां गुटेरेस मौजूद थे। ये हमले कीव शहर के एंटोनोव प्रोडक्शन प्लांट और एक एयरक्राफ्ट निर्माण कंपनी पर हुए हैं। इन हमलों में अब तक 6 लोगों के घायल होने के बाद कीव में मौजूद यूएन चीफ गुटेरेस ने ये भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस जंग को रोकने में असफल रहा है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यूक्रेन को आर्थिक रूप से मदद करने से पीछे नहीं हटेगा यूएन। ABP News आपको रखे आगे।